नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में जानेंगे बिना तेल के पानी पूरी कैसे बनाएं और बहुत कम तेल में भी पानी पूरी कैसे अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप यूएसए की लाइफस्टाइल, कल्चर, फूड, रेस्टोरेंट या टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो अभी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आपका कोई फीडबैक है, आप यूएसए के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी, और जिसके लिए हम एयर फ्राई यूज करेंगे। एयर फ्राई बहुत सारी चीज के लिए यूज होता है, जैसे कि रोज। हम दिखाएंगे उसका सब चीजों का डेमो आपको। तो आज हम पानी पूरी का डेमो दिखाएंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्लग करना पड़ेगा हमारा एयर फ्रायर। अभी आप प्लग हो गया है, तो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे हर तरह की चीज आ चुकी है। तो पहला है एयर फ्रायर। एयर फ्रायर जो एयर से फ्राई होता है, जिसमें ऑयल का यूज नहीं होता है, या कम ऑयल में भी आप इसमें एयर फ्राई कर सकते हो। दूसरी चीज है रोस्ट। आप किसी भी चीज को रोस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तीसरा है ब्रॉयल, ब्रॉयल भी कर सकते हो। चौथा है बेक, तो आप बेक भी कर सकते हो। पांचवा है रीहीट। रीहीट यानी कि आपके पास कोई भी रेडीमेड चीज है जिसको आप वापस गर्म करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं कई बार लेफ्टओवर पिज्जा, समोसा करना चाह, अगर मैं माइक्रोवेव में रख दूंगी तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन रीहीट पे यहाँ पे इंस्टा में इसी में रखेंगे एयर फ्रायर में तो बहुत अच्छे से होगा। तो ये सारी चीजें है। टाइम है, आप फूड का टाइम सेट कर सकते हो, और टेम्परेचर है। टाइम और टेम्परेचर बहुत जरूरी है। कई बार होता है ज्यादा टाइम रख दिया कम टेम्परेचर पर तो भी खाना ठीक से नहीं होगा, या ज्यादा टेम्परेचर पे कम टाइम में रख दिया तो भी ठीक से नहीं होगा। तो टेम्परेचर और टाइम इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो चलो हम आज ट्राई करेंगे एयर फ्रायर में पानी पूरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं पानी पूरी बनाने के। जैसे कि पहले ही हमने आपने आपको बताया था कि ये एक पानी पूरी है जो हम इंडियन स्टोर से लेके आए थे। इसको हम दो तरह से बनाएंगे, पहला जो बिना ऑयल के, और दूसरा थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके। तो चलो डेमो दिखाते हैं। तो पहला हम बिना ऑयल के रख रहे हैं, तो एयर फ्रायर में कर रही हूँ। 400 है, 400 टेम्परेचर पे, फारेनहाइट पे हम 2 मिनट के लिए रखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो हमारा ये एयर फ्रायर प्री हीट होगा। इस स्टार्ट करने के बाद ऑन आ जाएगा, जो प्री हीट हो रहा है। तो एक बार ठीक से गर्म होने के बाद आप रखोगे तो आपका खाना जलेगा नहीं और सही से होगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एड फूड आ गया है, तो अभी हमें फूड ऐड करना है। तो हम रखेंगे लाइन में ऐसे ही पानी पूरी। अभी हम वापस से ये रख देंगे। अभी ये स्टार्ट हो गया है। अभी आप देख रहे हो लास्ट मिनट चल रही है। अभी आप देख सकते हो ये ऑफ हो चुका है। तो चलो हम अपनी पानी पूरी की पूड़ियां देखते हैं। हमारी ये पानी पूरी की पूरी हुई अच्छे से फूल के अच्छे से हुई है। आप देख सकते हो ये हमारे बिना ऑयल की पानी पूरी की पूड़ियां हुई है। तो
अभी आप देख सकते हो हम दूसरा डेमो दिखाने जा रहे हैं जिसपे हम ऑयल का स्प्रे करेंगे। मेरे पास ये ऑलिव ऑयल कुकिंग स्प्रे है जिसका मैं यूज करूंगी। आप कोई भी ऑयल का स्प्रे यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ऑयल स्प्रे नहीं है तो भी हम अपना जो कुकिंग ऑयल है उसको ही ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा के कर सकते हो। आप थोड़ा सा ऑयल अपनी पूरियों पे लगा लो और फिर रख दो। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा स्प्रे करके रख के बनाते हैं। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा स्प्रे दोनों साइड पे कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये दोनों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रे कर दिया है। जिसमें आपका ऑयल भी ज्यादा नहीं जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। अभी हम रखेंगे इसमें वापस से। आप कभी भी रखो तो पूड़ियों को एक दूसरे से चिपक के मत रखिए। हमेशा पूड़ियों को हरा खुला खुला रखिए तो बहुत अच्छे से फूल के आएगी। और टेम्परेचर हम सेम ही जो हमने बिना ऑयल के सेट किया था वही सेम टेम्परेचर पे हम रखेंगे। तो हम पहले एयर फ्रायर पे जाएंगे, उसके बाद टेम्परेचर पे डो करेंगे और 400 फ़ारेनहाइट पे रखेंगे जो टेम्परेचर मेरा पहले से ही सेट है। और फिर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एयर फूड आ चुका है जो मैंने पहले से ही अंदर रख दी है पूड़ियाँ। तो अभी वो स्टार्ट हो गया है। अभी आप देख सकते हो हमारी मिनट खत्म हो चुकी है। यहाँ पे ऑफ आ गया है यानी कि हमारा खाना बनके रेडी हो चुका है। तो चलो खुल के देखते हैं। तो ये हमारी पानी पूरी की पूड़ियाँ है जो हमने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके रखी थी। देख सकते हो ये कितने अच्छे से फूल के रेडी हुई है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हो। कुकिंग ऑयल अगर आपके पास स्प्रे नहीं है तो आप उसे स्प्रेड करके ऑयल का स्प्रेड करके भी कर सकते हो। तब अभी आप देख सकते हो हमने एक ये चीज मंगाई है जिसका नाम है एयर फ्रायर लाइनर, जो आप एयर फ्रायर में कुछ भी बनाने के टाइम पे आप इसको अंदर रख के फूड फिर इसी में रख के कर सकते हो। तो इसका भी हम आगे वीडियो बनाएंगे और आपको जरूर दिखाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारे इस वीडियो पसंद आया तो हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।